अभी आपने देखा गीत गाए जा रहे थे, ये गीत जो है ये गनगौर का बान है। आज गनगौर जब पूजी जाती है ना, तो मेरे घर में शादी थी दो बेटियों की, तो गनगौर का पूजन मेरे घर में होता है। तो जो लड़कियां हमारे यहाँ पे गनगौर पूजन में आती हैं वो सब बारी बारी से बांध देती हैं। तो आज इनके घर से बांध था, तो हम लोग इनके घर गए थे। तो पहले गीत गाए गए, बाद में हो रहा है डांस। यहाँ पे मैंने म्यूजिक ऑफ कर दिया था क्योंकि म्यूजिक से कॉपीराइट क्लेम आता है ना। और जो साड़ी पहन के जो है ना, आपको सामने दिख रही होगी, इस ये एक अकेली थी जिसने थोड़ा बहुत मेकअप कर रखा था, नहीं तो सब यहाँ पे एकदम सिंपल रहते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस तरीके का भी मतलब एरिया होता है। सामने आप देखिए एक रस्सी बंधी है जिसपे कपड़े टांग रखे हैं। अलमारी वगैरह जो होती है वो दीवार में ही होती है, आपको दिख रही होंगी साइड में दीवार में अलमारियाँ। और 10-10 साल हो जाते हैं घर बने हुए, लेकिन पेंट वगैरह का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। मतलब ऐसा ही एकदम सिंपल सी लाइफ है यार गाँव की, मैंने ऐसी देखी नहीं पहले। मतलब मैंने मेरी शादी के बाद ही ऐसी लाइफ देखी थी। शादी से पहले मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ, मैंने इस तरीके का कल्चर नहीं देखा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शो करूँ, ऐसा कल्चर भी होता है, ऐसी भी जगह अभी इंडिया में बाकी हैं। यहाँ देखिए कोई भी लेडीज ऐसी नहीं है। एक प्रोग्राम था अच्छा खासा, डांस वांस भी हो रहा है, मिठाई भी बनी थी, लेकिन कोई भी नए कपड़े में और अच्छे से तैयार होके अच्छे से लुक में नहीं है। मतलब सबके यहाँ पे लावणी चल रही है, खेती का काम चल रहा है, एक तो ये कारण है। दूसरा वैसे भी ये औरतें ज़्यादा तैयार नहीं होती, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती। इनके पास अगर हम देखने जाएंगे तो कोई लिपस्टिक वगैरह भी कोई सालों पुरानी एक पड़ी होगी तो पड़ी होगी, नहीं तो ये लोग मेकअप का सामान भी नहीं खरीदते। और बाहर देखिए इस तरीके से मतलब इक्के दुक्के घर होते हैं। ये जो घर है ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद में इस घर के बारे में, मतलब मेरा घर कितनी दूर है यहाँ से। तो मैंने बताया था ना सुबह आज की बान है, वहीं आए हुए थे और पीछे म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। अगर ये म्यूजिक परेशान करेगा, मतलब क्लेम आने का खतरा होगा, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी, नहीं तो ये ऐसे ही रखेंगे। और ये देखो खेतों के बीच में ये घर है, कितना प्यारा व्यू है ना यहाँ का। सब लेडीज वहाँ खड़ी है, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ, बकरी भी है यहाँ पे। ये बकरियों का रहने का है शायद तक। एक भैंस का बच्चा बैठा है, भैंस का बच्चा तो काला होता है। यहाँ देखो कुआं है। अब म्यूजिक ओ, और इधर बिल का पेड़ लगा हुआ। बिल दिखाऊं मैं आपको, बहुत सारे बिल लगे हैं, बहुत सारे तो नीचे गिरे हुए लगने के बाद। ये देखो बील का पेड़ है, ये बहुत बील लगे हैं। मेरे घर पे भी है कम से कम 5-6 बील के पेड़ हैं, बहुत बील लगे हैं उन पे। नींबू के भी बहुत से पेड़ हैं यहाँ पे। और खेतों में घर है ना, तो एकदम शांति है यहाँ, बहुत ज़्यादा शांति है। सारी लेडीज वहाँ खड़ी हैं, अंदर 2-3 हैं वो डांस कर रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, उनका वेट कर रही थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। बकरियाँ होती थी इनके यहाँ पे पहले बहुत सारी, मैं आई हुई हूँ पहले भी। सिवान छोटा था ना, तो बकरी का दूध पिलाते थे ना, मुँह में छाले हो जाते, तो बकरी के दूध की धार मारते हैं बच्चे के मुँह में, तो उस कारण से आई हुई हूँ। और अब चलेंगे घर पे। उधर की साइड मम्मी बता रही है कुछ है, उधर भी देख के आते हैं। भैंस इनकी इधर है, हाँ भैंस यहाँ धूप में बांध रखी है, धूप में बंधी हुई है। धूप बहुत तेज से हो रही है, 3 बज रहे हैं दोपहर के। घर का देखो लोकेशन देखो एक बार आप, कहाँ रुद्रपुर का बहुत एकदम गंदा सा माहौल, एकदम चिपके चिपके से घर, और कहाँ देखो ये एक घर है, चारों तरफ फिर खेत है। मतलब बंदा ठंडी हवा, ठंडी छाया, सब कुछ मिलेगा उसको, नेचुरल चीज़ें मिलेंगी सारी। देखो एक ये भी बना रखा है यहाँ पे। पता नहीं क्या काम आते हैं, मुझे इस चीज़ का तो कोई आइडिया नहीं है। एक बिना छत की वो रूम है, उसकी छत नहीं है ऊपर। और हमारा घर दिखाओ यहाँ से कहाँ है, हमारा घर बैक कैमरा ऑन कर दिया। ये देखिए यहाँ से हमारा जो भाई साहब का घर है ना वो दिख रहा है, और भाई साहब के घर से आगे एकदम वाइट कलर में जो दिख रहा है ना छोटा सा, वो हमारा घर है। तो मतलब काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, लेकिन इतनी दूर में कोई घर नहीं है, हमारे ही दो घर हैं। आजू बाजू में इक्के दुक्के 2-4 घर हैं बस।
इस तरीके से खेत में एकदम शांत वातावरण है, कोई गाड़ी की तो आवाज़ आती नहीं है। ऐसे लगता है जब कोई गाड़ी आती थी कि जैसे बाइक वगैरह कभी हमारे घर आती तो पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे घर आ रही है, मतलब एकदम शहर की भों-भों से दूर। मतलब शहर में इतना यार कितना ज़्यादा मतलब शोर होता रहता है, उन सब से एकदम दूर शांत माहौल, और अब जा रहे हैं घर पे। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं यहाँ के। जब मैं शादी होके शुरू में इधर आई थी ना, मतलब पहले ऐसे कंकड़ पत्थर वाले रास्ते देखे थे, मिट्टी वाले रास्ते नहीं देखे थे, राजस्थान का ऐसा लुक नहीं देखा था जहाँ पे कांटे और बाड़, ये देखो बाड़ लगा रखी है चारों तरफ कांटों की, ऐसा मैंने नहीं देखा था। मैं यहाँ जब चलती थी ना, मुझे धूप में एकदम गंदा लगता था, मुझे लगता था कि हे भगवान कहाँ फंसा दिया मेरे को। शादी होने के बाद में मतलब मैं मेरे मायके वालों को मैंने हजारों बार, आप समझ नहीं सकते, शादी के बाद में पहली जो साल थी ना उसमें मैंने बहुत गालियाँ दी थी, क्योंकि ऐसा माहौल मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मेरी फैमिली में कोई लड़की ऐसे घर में नहीं गई है, खेती बाड़ी वाला कोई भी लड़की नहीं है जिसका घर खेती बाड़ी वाला हो, मतलब खेती का काम हो जिसके घर में। अब देखिए एक बार कैसे रास्ते हैं यहाँ के, और जब बाइक से आना होता है तो बाइक मिट्टी में चलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से सरकती है आगे। तो सब जब शादी हुई थी उसके बाद में नैनी के पापा कहते थे मैं तुझे बाइक से लेके चलूंगा, नहीं रोड तक, यहाँ की लेडीज जो होती हैं वो पैदल जाती हैं, तो मैं एक अकेली, मेरे को हमेशा ये बाइक से लेके जाते थे, कहते थे नहीं तेरे पैर जलेंगे, ये जो बालू मिट्टी है ना ये धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और यहाँ पे ना पैर जलते हैं फिर धूप में मिट्टी में पैर रखने से। तो काफ़ी दिन मतलब मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा, मुझे गुस्सा भी आता था। देखिए आप कैसा है, एकदम चिलमिलाती धूप है, आजू बाजू में दूर दूर तक कोई नहीं। मैं शुरू में ना छत पे बैठ के रोती थी, हकीकत बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद में मैं छत पे बैठ जाती थी, मैं कोसती थी अपने आप को कि कहाँ शादी हो गई, एकदम रोना आता था। छत पे, छत का व्यू दिखाऊंगी मैं कभी, छत पे बैठ के ऐसे लगता था कि मुझे कहाँ जंगल में पटक दिया, सब लोग अपने घर पे चले गए शादी करके मेरी धूमधाम से, और सब अपने अपने जहाँ रहते हैं अपने अपने घर चले गए, मुझे कहाँ जंगल में फेंक गए यहाँ पे। बड़ा गुस्सा आता था मुझे, लेकिन अब नहीं लगता। अब यहाँ पर एक अच्छा सा मतलब फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। और यहाँ अब शाम के टाइम पे ये लकड़ी काट रहे थे बच्चों के पापा, मतलब आपके शर्मा जी, तो शर्मा जी लकड़ी काट रहे थे, नैनी सिर पे रख के लेके आई थी, तो मैंने कैप्चर कर लिया अभी इन लकड़ियों से खाना बनेगा। लकड़ी पहले काट ली गई है और हम लोग यहाँ आए हैं अभी, सिलेंडर मैंने भी फिल नहीं करवाया है, ये लोग तो वैसे भी सिलेंडर नहीं भरवाते, तो मैंने सोचा सिलेंडर भरवाएंगे तब तक चूल्हे पे ही बना लेते हैं, और अभी थोड़ा सा पैसा बचाना भी चाहिए, समझ सकते और हो। वहाँ से आ गए थे थोड़ी देर पहले, मतलब 4 बजे के समथिंग वहाँ से आए थे। फिर आने के बाद में चाय बनाई, चाय बना के कपड़े चेंज किए, साड़ी में ना परेशान हो जाते हैं पूरे दिन, लेकिन यहाँ पे साड़ी पहननी पड़ती है, और किसी के घर जाना हो तो फिर तो कंपलसरी साड़ी ही पहननी पड़ेगी। अब पता है घर पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, तो मैंने चेंज कर दिया और यहाँ बैठी हूँ। भाभी दोबारा चाय बना रही है वो चाय बना लेंगे ना, उसके बाद में रात के खाने की तैयारी करेंगे। और 5 बज गए अभी, 5 बजे भी ना कितनी धूप है, देख रुद्रपुर में पता ही नहीं चलता था धूप निकलती भी थी क्या, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। और किसी का कमेंट आया था आम लगते हैं क्या, तो मैं आज आपको आम दिखाने वाली हूँ कि आम लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कितने लगते हैं देखना, अभी दिखाती हूँ। तो आम भी लगते हैं लेकिन आम बन नहीं पाते, कैरी ही रह जाती है वो, कैरी बन के ही आम पूरा बनता ही नहीं है। और देखो भाभी यहाँ चाय बना रही है, बाहर धूप है ना बाहर वाले चूल्हे पे, तो शाम की चाय यहीं बनती है। आवाज़ थोड़ी नीचे, यहाँ आके बात करते हैं। तो शाम की चाय बनती है इधर, और अब अंदर चलते हैं, पहले झाड़ू लगाऊंगी सारे घर में एक बार, झाड़ू लगा के फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। पर आज मेरा सामान आ गया किचन का, तो मैं किचन भी सेट करने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल मॉर्निंग से करेंगे, ठीक है। और अब हम इस वीडियो का यहीं एंड भी करेंगे, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।